भारत में आएगा और क्या होगा, ब्लोच आ जाएगा, गिलगित आ जाएगा, पीओके तो हमारा है ही है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, बहुत है अभी, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए किट्टू होता है क्या। आपने कहा कि बलोच खामोश हो जाएंगे, बलोच खामोश नहीं हुए। यूएन में मुझे लगता है कि महरंग को इमीडिएट यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट को मेल करना चाहिए। सही बात है, तब जा करके ये मसला उठेगा। मुझसे जितना हो सकेगा महरंग की बात यूएन तक पहुंचाने में मैं भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं। फिजा बहुत बदतमीजी कर रही थी, ये सबने देखा है। लास्ट क्वेश्चन की अभी तो मैंने शुरू किया, आपने तो मेरे तीसरे सवाल पे कह दिया कि बस अब हम खत्म कर देंगे इसको। सारे सवाल सख्त लग रहे हैं, हम यहाँ बहुत तामस से आए। अगर आप किसी के कहने पर आए हैं तो मैं उनको भी बोल रही हूँ। कैसे कह सकते, एक जाली डॉक्टर फिजा खान जब ओरिजिनल डॉक्टर महरंग से मिली तो चुहिया की औकात महरंग ने उसको दिखा दी। मैं मुजम्मत करती हूँ बीएलए की, आप क्या अपने स्टेट की मुजम्मत करती है? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या मुजम्मत करती है? आप इतनी हाथ पर क्यों हो रही है? परफेक्ट नॉकआउट कर दी। बहुत आराम से बात करें, से बात सुने मेरी। मैंने एक मर्तबा कहा बार बार इस सवाल को रिपीट ना करे। मेरा सवाल इतना बुरा तो नहीं था, मेरा सवाल बुरा नहीं है, आप प्लीज मुझे बोलने दें। पीएलए की मुजम्मत करती है, मुजम्मत करते हैं। और महरंग बहुत एडुकेटेड तरीके से रिप्लाई दे रही थी, पर तमीज के दायरे में महरंग ने फिजा खान से बात क्यों किया? तो फिर अगर मैं महरंग की जगह होती ना तो बाल घसीट करके कुत्ते की तरह रोड पर मारती फिजा खान को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, धुआंधार इनिंग खत्म होने के कोई आसार नहीं है। 72 वर्जिन उरों का इतना ही नशा है तो एक बार में पॉइजन खा लो सब मिल करके पूरा पाकिस्तान का मर्द और चले जाओ जन्नत 72 वर्जिन उरों का मजा लेने के लिए। माय आंसर आल्सो द सेम, नथिंग। तो कैसे हो क्रिकेट्स, आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। हमारे साथ है नाजिया मैम जो पाकिस्तान की पुंगी बजा देती है और आज तो स्पेशल पुंगी बजाई जाएगी। तो सबसे पहले तो मैम आपको नमस्ते। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। किच्चू भाई से बहुत दिन के बाद मुलाकात हुई है क्योंकि मैं काफी ट्रैवल पे थी। अब जाकर के मुझे फुर्सत मिली है तो मैं दो दिन से थोड़ा सा इंट्रैक्शन कर रही हूँ और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी ना, मैं पूरा का पूरा 9 दिन मैंने पाकिस्तान की पुंगी नहीं बजाई थी। पाकिस्तान के पैंट नहीं उतारे थे और वहां तो सिर्फ जिहादी नहीं होते हैं ना, वहां तो जिहादन भी होती, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। पर क्या करते, काम भी तो करना पड़ता है ना। मैंने सोचा आज तो किट्टू राव के साथ बैठना ही पड़ेगा भाई। थैंक यू मैम, आपने जो हमारे लिए टाइम निकाला। और मैं बता दूं जो हलवा पकाओ या पाकिस्तान के जितने भी एंकर होते हैं उनकी हम सोचते हैं कि कब उनकी सुझाएं, अब की बार तो उस एंकर ने खुद ही इतना रायता फैला दिया है कि उसको सूजी देनी बनती है। और मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, आपकी हिम्मत को सलाम पेश करती हूँ। हम बात कर रहे हैं बलूच में होने वाले जुल्म की। एक होता है कि भाई बेसिक हक होते हैं वो नहीं मिल रहा, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा लगाया हुआ है इस्लामाबाद में, लेकिन जो पाकिस्तानी एंकर है वो पाक फौज के अंडर में है, उनसे इतना डरते हैं कि कभी भी आवाज नहीं उठाते। इजराइल वहां जुल्म कर रहा है, वो वहां कर रहा है, फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, ये हमेशा देखते रहते हैं, लेकिन अभी बलूच के ऊपर उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई है। और उनका यही हक है कि भाई उनको कम से कम एजुकेशन तो मिले, वहां पर कोई भी मैट्रिक नहीं कर पाता। आप समझते हैं बलूचिस्तान में एक बंदा जो है ना मैट्रिक की तालीम तक नहीं पहुंच सकता है, कोई बंदा एक आधा पीएचडी भी कर लेता है उसको उठा लिया जाता है तुरंत। बलूचिस्तान जैसे बदबख्त इलाके में अगर कोई पीएचडी तक पहुंच जाए आपकी यूनिवर्सिटी में और आप उसे उठा कर ले जाए, तो मैम इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखो सबसे पहले मैं किट्टू ये कहना चाहूंगी कि जो देश पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक देश, ये इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान है, जो देश हाफिज सईद जैसे लोगों को अपना वजीर आजम बनाने की सोच रहा है, जो देश हाफिज सईद के बेटे को अपना नेता बनाने के चक्कर में लगा हुआ है, जो देश हाफिज सईद की पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट का ठप्पा लगा करके रिकॉग्नाइज्ड कर चुका है, उस देश को मैं गटर छाप और डस्टबिन ही बोल सकती हूँ। यूएन का रिकॉग्नाइज्ड और रिनाउंड, जो यूएन ने ठप्पा लगा दिया कि हाफिज सईद एक रिकॉग्नाइज्ड और रिनाउंड टेररिस्ट है और वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, और उसके बावजूद भी सारे कचड़े कहाँ जमा हो सकते हैं, उसामा बिन लादेन हो, अजमल कसब हो, लश्करे तैबा हो, यासीन मलिक हो, अल जिहाद हो, अजमुल मुजाहिदीन हो, ये सब कहाँ होते हैं, अलकायदा हो, ये सब सिर्फ एक ही कचड़े के डब्बे में होता है और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक डस्टबिन है, एक कचड़े का डब्बा है जहां के इर्द गिर्द भी अच्छा आदमी नहीं आ जा सकता है, नहीं तो गंद मारेगा। और बलोच में तकरीबन 2003 से
पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने जो कहर नाजिल करके रखा हुआ था बलोच के लोगों पर, जो अत्याचार कर रहा था, अब जा करके ऑलमोस्ट 23 साल के बाद महरम नाम की एक शेरनी सामने आई है और अपनी आवाज ऊंची कर। कितने अरसे तक आप लोगों को दबा सकते हैं? मैं तो सल्यूट करती हूँ महरम को और मैं कहती हूँ मेरी तमाम सहानुभूति तुम्हारे साथ है, पर एक शिकायत मुझे महरम से रह गई। मुझे महरम से ये शिकायत रह गई कि जब पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट और ISI की चिंदी चोर और चुहिया जो ISI की एजेंट है, फिजा, डॉक्टर फिजा खान शायद उसका नाम है ना, डॉक्टर फिजा खान, एक जाली डॉक्टर फिजा खान जब ओरिजिनल डॉक्टर महरम से मिली तो चुहिया की औकात महरम ने उसको दिखा दी। आप PLA की मुज़म्मत करती हैं? जी हाँ करती हूँ। क्या आप बलोच जिनोसाइड की मुज़म्मत करती हैं? आप इन माओं के प्यारों के जो आपने उठाए उनकी मुज़म्मत करी है? मैं मुज़म्मत करती हूँ, आप मुज़म्मत करती हैं? मैं मुज़म्मत करती हूँ PLA की, आप क्या अपने स्टेट की मुज़म्मत करती हैं? आप मेरे सवाल का बोले, आप बोले क्या मुज़म्मत करती है? आप इतनी हाइप पर क्यों हो रही है? और मुझे शिकायत इस बात की है महरंग से कि महरंग ने तमीज के दायरे में उससे बात क्यों की, क्योंकि वो बदतमीजी कर रही थी ये तो सबने देखा है, फिजा बहुत बदतमीजी कर रही थी ये सबने देखा है, और महरंग बहुत एडुकेटेड तरीके से रिप्लाई दे रही थी, पर तमीज के दायरे में महरंग ने फिजा खान से बात क्यों किया? अगर मैं महरंग की जगह होती ना तो बाल घसीट करके कुत्ते की तरह रोड पर मारती फिजा खान को। और मैं ऐलानिया कहना चाहती कि वर्ल्ड कप के दौरान में या कुछ ऐसी चीजों के दौरान में अगर बहुत सारे एंकर आते हैं, रिपोर्टर आते हैं हमारे भारत में, तो गलती से भी फिजा खान भारत ना आए, नहीं तो मैं नंगा करके मारूंगी फिजा खान को। मैं फिजा खान को कभी भी एक रिपोर्टर और एक एंकर के तहत देखती ही नहीं हूँ। मैं उसको ISI एक एजेंट और एक दल्ली की तरह मैं उसको देखती हूँ। जैसे प्रोस्टिट्यूट एरिया में दलाल होते हैं ना, उसी तरीके से ये दलालों के एरिया में एक दल्ली भी है जिसका नाम फिजा खान, इसी का नाम फिजा खान, और उसकी क्या औकात है वो महरम के सामने दिखाई दे दिया। देखो पाकिस्तान जो है ना एक ऐसा देश है जहां पर जेनेसाइड, जहां पर कन्वर्शन, जहां पर ऑनर किलिंग, जहां पर ऑर्गन ट्रैफिकिंग, जहां पर 5 साल की बच्ची का भी सलवार झांक के देखना, ओ 5 साल की हो गई, चलो अब इसको निकाह में ले लो और इसके साथ सेक्स कर लो, तो ये एक ऐसा देश है। खटर का कीड़ा, अभी कोई कुछ बोलेगा तो फिर पाकिस्तान के लोग कहेंगे और पाकिस्तान का काकड़ कड़कड़ा करके कहेगा क्या मैं भारत ने पाकिस्तान के बारे में ऐसा बोल दिया, इस्लामिक देश है। अरे तूने खुद बनाया है, डायग्राम खींचा है, तूने खुद शक्ल खींच दिया है कि पाकिस्तान इस्लामिक देश का मतलब होता है 4 शादी, पाकिस्तान इस्लामिक देश का मतलब होता है निकाह मुत्ता, पाकिस्तान इस्लामिक देश का मतलब होता है जन्नत में 72 वर्जिन हूर। तो भैया सारे पुरुष पाकिस्तान के जहर खा ले, मैं भिजवा देती हूँ, जहर खा के मर जाओ, 72 वर्जिन हूरों के पास चले जाओ। इतना इंतजार किस बात का है? 72 वर्जिन हूरों का इतना ही नशा है तो एक बार में पॉइजन खा लो सब मिल करके पूरा पाकिस्तान का मर्द और चले जाओ जन्नत 72 वर्जिन हूरों का मजा लेने के लिए, क्योंकि मुफ्ती तारिक जमील का जो बेटा है वो तो वीडियोग्राफी करके भेज ही रहा होगा कि वो कितना मजा ले रहा होगा, क्योंकि अभी हालिया में तो मरा है तो वो तो पूरी वीडियोग्राफी करके भेज रहा होगा बाप को, और बाप तो डेली यूट्यूब के माध्यम से अपना प्रीच करता ही रहता है, तो वो वीडियोग्राफी भी जरा दिखा दे कि 135 फुट का टांग उसके बेटे के कौन से कंधे पर है और केसर का टांग कौन से कंधे पर है। तो ये तो मुफ्ती तारिक जमील को ये सब बताना चाहिए, खाली मुंह से क्यों बोलते हैं? बेटा तो वीडियोग्राफी भेज रहा होगा जन्नत से अभी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान इतनी अभद्र और इतनी अश्लीलता का बाजार खोल करके रखा हुआ है, उसके लिए जितने भी हम घिरे हुए शब्द को इस्तेमाल करें वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं वाकई में दाद देती हूँ कि 30 साल की महरम, जिसने अपने पिता के लिए 12 साल की उम्र से रोड के धक्के खाए हैं, सरकारी दफ्तरों के धक्के खाए हैं, कोर्ट के धक्के खाए हैं, जब वो मात्र 12 साल की थी तब महरम के पिता को किडनैप किया गया था, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर ने किडनैप किया था, और उसके बाद 2 साल के बाद महरम के पिता की डेड बॉडी मिली थी, और तब से वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रही है। 12 साल की उम्र से 30 साल की हो गई है, उसने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी है, पढ़ाई भी कर रही है, MBBS है, और अभी उसका पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा है, ग्रेजुएशन चल रहा है, और जिस हिसाब से एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वो सामने आई है, एटलीस्ट मेरी नाजिया इलाही खान की सहानुभूति तो उसके साथ है, और मैं चाहती हूँ कि महरंग बिल्कुल भी बैकफुट ना लें, बिल्कुल भी पीछे ना हटें, बिल्कुल भी डरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरे, क्योंकि एक औरत जब दहाड़ती है ना
तो अच्छे अच्छे शैतान और अच्छे अच्छे खरगबाज की भी टांग चीर देती है। एक औरत जब सही रास्ते पर अपनी आवाज को ऊंची करती है तो ऐसे कई लोग हैं जो उसके शाना बशाना खड़े हो जाते हैं, जो उसके साथ चलने के लिए, उसकी आवाज मिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये जितने भी हिजड़े की कौम है पाकिस्तान में, ये महरंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये महरंग का कुछ भी बुरा नहीं कर सकती है। मुझे ऐसा एहसास हो चुका है, क्योंकि उसने आज भी अपने इंटरव्यू में साफ लफ्जों में कहा है कि बलोच से अभी और भी लोग आ रहे हैं, और जो लोग आ रहे हैं इस प्रदर्शन को हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हालांकि देखो जिस तरह की इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने उन लोगों ने प्रदर्शन रखा है और धरना पे बैठे हैं, जिस तरह की कड़ाके की सर्दी है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा उस लड़की को कि हिम्मत है उस लड़की में, अपने पिता का जो दर्द उसके अंदर है वो उन तमाम आंखों में उसको दिखाई दे रहा है जिनके बच्चे खोए हैं, जिनके बच्चों को लश्करे तैबा को दे दिया गया है। एक पढ़ते हुए बच्चे को स्कूल कॉलेज से उठा करके इस्लामाबाद से हाफिज सईद के सुपुर्द कर दिया गया है, उसको उठा करके ऐसे ऐसे इस्लामिक प्रीचर, जिहादी माइंडेड प्रीचर के सुपुर्द कर दिया गया है कि अब अजमल कसब बन करके निकलेगा। ये इस बात से कोई दो राय नहीं है कि बलोच जैसे छोटे से गांव के बच्चे जब इस्लामाबाद कराची लाहौर पढ़ने आते हैं तो ये समझ लो किट्टू कि उनके पिता उनकी माता जो है ना अपने पेट में ईंटा बांध करके भूखमरी कर करके वो बच्चों को पढ़ने भेजती हैं। और ऐसे आलम में अगर उनके बच्चे को किडनैप करके जिहादी बनाने के लिए भेज दिया जाए और उसका कोई अता पता ना चले तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। वाकई में 2003 में 20,000 लोगों को किडनैप किया था पाकिस्तानी आर्मी ने 2003 में, आज तक उन लोगों का बॉडी भी नहीं मिला है, उन लोगों की बॉडी तक नहीं मिली है। जो 2-4-10 की बॉडी मिल जाती है वो लोग एटलीस्ट इतनी तसल्ली कर लेते थे बलोच के कि चलो बॉडी तो मिली है, लेकिन ना जाने लाखों ऐसे लोग हैं बलोच के जिनकी बॉडीज भी नहीं मिल रही है। क्या ही पता कि वो पता नहीं कौन से उनको स्ट्रैटेजी के तहत भारत भेज दिया गया है स्लीपर सेल बना करके, या किसी और देश भेजा गया है स्लीपर सेल बना करके, या हाफिज सईद जैसे लोग और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग और ऐसे लोग यहाँ पर इसको पाकिस्तान में ही यूज कर रहे हैं मंदिरें तोड़वाने के लिए, कन्वर्शन करवाने के लिए। तो जो भी सिविलाइज्ड माँ बाप होता है वो नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा किसी गलत दिशा में जाए या मेरे बच्चे के हाथों कुछ गलत हो, और तो इसलिए इन लोगों ने अब आवाज उठानी स्टार्ट की है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बलोच के जवान युवा लड़के पाकिस्तान की सरकार को चूड़ियां पहना रहे हैं, मुझे लगता है सिर्फ चूड़ियां नहीं उनको इनर गारमेंट्स भी लेडीज का पहुंचा देना चाहिए। अगर बलोच को ऐसी कोई जरूरत है तो इनर गारमेंट्स लेडीज वाला मैं भिजवा देती हूँ पाकिस्तान की सरकार को, और काकड़ को भिजवा दे वो पहन करके चूड़ी के साथ बैठेगा और फोटोग्राफी होगी। क्योंकि जो देश अपने देशवासियों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, टेररिस्ट पैदा करने की कोशिश करता है, ऐसे पाकिस्तान को कब्रिस्तान बनने में ही बेहतरी। जी बिल्कुल मैम, पाकिस्तान ने तो ऐसी हरकतें की है, मैंने अभी वीडियो देखा कल परसों का ही, जो तहरीक है उसमें जो माइक और ये स्पीकर होते ना वो ही चुरा ले गए। सिर्फ वो नहीं चुराए हैं, 3 दिन पहले रात में 2 बजे नकाबपोश आर्मी ऑफिसर अपना मुंह छुपा करके आए, बहु बेटियों को गलत तरीके से टच किए, कई बहु बेटियों को बलात्कार करने की कोशिश किए हैं। और जब चीख चिल्ला ज्यादा हो गया, जब जरूरत से ज्यादा हड़कंप मच गया, तब जा करके उन्होंने क्या किया कि 50-60 औरतों को अपने पुलिस वैन में भरे और ले गए और 24 घंटा पहले छोड़े हैं। अब क्या ही पता ले जाने के बाद शारीरिक संबंध किया कि नहीं किया, बलात्कार किया कि नहीं किया, क्योंकि देखो मुसलमान कौम एक ऐसा कौम है जिसको 5 साल की बच्ची में भी मलिका शरावत दिख जाती है, जिसको 5 साल की बच्ची में भी सनी लियोनी दिख जाती है। तो मुसलमान एक ऐसा कौम है, तो जो बहु बेटियों को उठा करके लेकर गया है क्या ही पता उनके साथ बलात्कार नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी महरम की आवाज पर कोई भी महिलाएं पीछे नहीं हट रही हैं, क्योंकि अब वो इस अश्लीलता के बाजार को और इस क्राइम के बाजार को वो लोग बंद करना चाहते हैं। वो लोग आर या पार का कसम खा चुके हैं कि भाई आर हो या पार हो अब हम उसको खत्म करेंगे, क्योंकि 2003 से 2023 23 साल कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है भाई, कोई कितना बर्दाश्त कर सकता है, और कितना झूठ बोलता है पाकिस्तान के इस्लामिक देश है। हमारे कुरान में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो मुझे लगता है कि महरंग सही कर रही है, प्रॉफिट मोहम्मद की बात पर चल रही है,
कि भाई और कितना जुल्म सहेंगे, और बलोच के लोग कितना जुल्म सहेंगे। तो ये जितने चिटिंगबाज मुसलमान जो भारत में है, जो पाकिस्तान में है, इनको इनका अब असली चेहरा सामने आ चुका है। अभी देखो मैं एक चीज तुमको और बता देती हूँ, हमारे भारत के मुसलमानों के हमास के बलात्कारी के समर्थन में कितना रैली निकाले भारत में। अभी बलोच के मुसलमान के समर्थन में काहे नहीं रैली निकाल रहे हैं। बलोच में जो अत्याचार हो रहा है उसका तो पूरा डेटा दे रही है ना महारग, और वहां के बलोच के लोग बता रहे हैं, एक एक आंखें रो रही हैं, एक एक बच्चा रो रहा है, बच्चा पिता के लिए रो रहा है, बेटियां माँ के लिए रो रही है, भाई बहन के लिए रो रहा है, बहन भाई के लिए रो रही है, बेटी बाप के लिए रो रही है, बाप बेटी के लिए रो रहा है। लेकिन देखो भारत के मुसलमान, अरे वाह भारत के मुसलमान, एकदम साफ सूंघ गया है, एकदम खामोश है। लेकिन वहीं पर देखना हाफिज सईद जिस दिन वहां का वजीर आजम बन जाएगा पाकिस्तान का, उस दिन देखना उसामा बिन लादेन की तरह जोड़ा आवेसी सामने आएगा उसके समर्थन में। तो दोहरी शक्ल भारत के मुसलमान की, सुन्नी मुसलमान की और पाकिस्तान की, एकदम अब क्रिस्टल क्लियर हम लोगों के सामने आ रही है। सांच को आंच क्या है, सच्चाई कितने भी दिन छुपाने की कोशिश करो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। जैसे कि मैंने देखा कि ये बहुत मजबूत लोग हैं, टूटेंगे नहीं। एक लड़की को तो इतना मारा पुलिस ने कि भाई रो, लेकिन वो रोई नहीं। तो मुझे लगता है ये टूटेंगे तो नहीं। तो क्या लगता है कि यूएन में इस मसले को ले जाया जाएगा? जैसे कश्मीर को तो ये बहुत जल्दी उठाकर ले जाते हैं पाकिस्तानी, तो इसको उठाकर ले जाएंगे और बलूचिस्तान को एक अलग से देश बना देंगे? आगे आगे देखिए होता है क्या। बलोच है, गिलगित है, पीओके है, बहुत है अभी इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए किट्टू होता है क्या। अभी ऐसा अलग देश बनाने की जरूरत क्या है? अरे अखंड भारत में आएगा और क्या होगा। बलोच आ जाएगा, गिलगित आ जाएगा, पीओके तो हमारा है ही है। यूएन में मुझे लगता है कि महरंग को इमीडिएट यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट को मेल करना चाहिए और एक डेलीगेशन लेकर के यूएन के मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलना चाहिए। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सजेशन दे रही हूँ महरंग को कि महरंग, क्योंकि देखो पाकिस्तान की सरकार कभी इस मैटर को लेकर के नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी। ये महरंग को ये अपने पूरे डेलीगेशन के साथ यूएन विजिट करना चाहिए, वहां पर अपॉइंटमेंट लेना चाहिए और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ और विक्टिमाइज लोगों के साथ, इतने विक्टिमाइज लोग तो नहीं जा पाएंगे लेकिन एक डेलीगेशन के तौर पर विक्टिमाइज को लेकर के साथ में ले जाना चाहिए और उनके साथ बैठ करके एकदम प्राइवेट मीटिंग करनी चाहिए, तब जा करके ये मसला उठेगा और मुझसे जितना हो सकेगा महरंग के की बात यूएन तक पहुंचाने में मैं भी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं। बिल्कुल, थैंक यू मैम। ये था वीडियो और हम चाहते हैं कि भाई बलूच भाइयों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वहां तक पहुंचाएं ताकि उनको ये जानकारी मिले। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी ज्यादा जानकारी दी और हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू, लव यू। भारत माता की जय। जी जय।